लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम दोनों ये बुला के लेके जाइए। और ये क्या हुलिया बना रखा है? वो साहब वो दिन वो आपका एक्शन देखा ना, उसका ये रिएक्शन है। वो आपका जबान से जल्दी हाथ चलता है ना, तो हम सोचा जरा अपनी तरफ से भी प्रोटेक्शन करेगा। आगे बोलो काम क्या है। वो शेर सिंह का जमानत करने को आया है। नहीं नहीं, वैसे हमारा जासी जान पहचान नहीं है, है ना? आगे बोलिए। हाँ, पन क्या है कि इंसान के नाते फर्ज बनता है ना यार, किसी को हेल्प करने का। बैठो। हंसा तो फंसा जल्दी। दो चाय ले आ। अच्छा एक बात बताओ, ये शेर सिंह ही शेखर है क्या? जी जी जी, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। अरे साईं, गारंटी तो हिट और फ्लॉप का नहीं होता है, तो आदमी का कैसा देगा है? एकदम क्लियर। संदीप, शेर सिंह को ले आओ। शेर सिंह, तुम्हारी जमानत हो गई है, लेकिन ये मत समझो कि तुम आजाद हो। तो मैं क्या हूं? देखो शेर सिंह, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हाँ जी। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सही हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे से तुम निशा के घर नहीं जा सकते। तो आगे से नहीं जा सकता तो पीछे से तो जा ही सकता हूँ ना। अरे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से नहीं जा सकते। तो फिर ये कौन सी हेल्प हुई? नहीं, कौन सी हेल्प हुई? इधर आओ, इधर आओ। ये जो शेखर है ना, शेखर शेखर है ना? शेखर नहीं, वो ही इज नॉट अ ब्लडी शेखर। जो भी है, शेखर और शेर सिंह दोनों मैं हूं। बैरूपिया है वो। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, ऊपर वाले इन्वॉल्व है इसके? और क्या, होय तेरी तो। मुझे ऑर्डर मिले हैं कि इस केस को सख्त से सख्त तरीके से संभालो। ओह, इसलिए तो मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। ओ, कमाल है यार, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, मुजरिम के हाथ खुले हुए हैं, और पब्लिक का तो हाथ ही नहीं होता। मेरा मतलब है किसी भी मैटर में पब्लिक का हाथ होता ही नहीं ना, और जिनका हाथ होता है उन पर तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है हाथ डालने की। ये हाथ क्या है यार? हाथ नहीं, मेरा मतलब है कि माजरा क्या है? और तुझे छड्डो इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट मेरी गल सुनो। मुझ गरीब को इमोशनली पुलिस हेल्प करना चाह रही है ना, तुझे हेल्प करना चाह रहे हो ना मुझ गरीब को? बोलो बोलो बोलो। एक सजेशन फेंको। बोलो ना। फेक एनकाउंटर में काम करते हैं इसको। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो, दूसरी फेंकता हूँ मैं, मार देता हूँ, फिर संभाल लेना बाद में। तुम टेबल से उतरो ना। नहीं नहीं, देखो इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सुनो जी साहब, एक चाय लेना। हो साहब, और साथ में सरदर्द की गोली भी। अच्छा साहब। शबाश शबाश सोए हुए शेर दे पुत्रों, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा हाँ कि वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, जबकि तुम दोनों तू हो हाँ? पापा, वो आदमी तो सिगरेट पीता है, और आप तो सिगरेट से ऐसे चिढ़ते हो जैसे कि मम्मी आपसे चिढ़ती है। चुप कर, चालू दा पुत्र, मेरे जलावे पे नमक मत डालो। अरे हो सके तो दोनों मिलके कुछ सोचो, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पापा, हम उसका सिगरेट का पैकेट चुरा कर पुलिस को दे दे? नहीं बेटा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कई सबूत धुआं कर चुका है, वो बड़ा धुआंधार विलन है, उसको है ना मैं धुआं धुआं करूंगा। लेकिन बेटा, इससे पहले तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। और अब मेरी इज्जत या तो तुम्हारे मम्मी के लत में, या तो तुम्हारे हाथ में। पापा, आप चिंता मत करो, मैं उसका हर गाना रोना बना दूंगा। शबाश, ओए कमाल कर दिया चालू दे पुत्रों, कमाल कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया। अबे काम करो, तुम ही लोग मुझे आइडिया दो, माइंड मत करना यार। वो दुनिया के टॉर्चर सहसे करना, मेरा माइंड बिल्कुल परेशान हो गया है। अब तुम लोग मुझे कुछ थॉट दो। अरे पापा, आप इतनी कहानियां लिखते हो, अपनी कहानी नहीं ठीक कर सकते हो? अबे ओए ओए स्क्रिप्ट राइटर की औलाद, और क्या कह दिया तूने, वाह वाह। तो मैंने कहा कि मैंने अर्ज किया है कि किसी का पेन छिन गया, किसी का अच्छा टाइम था मगर गया। अब चंद विलन को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो हम लिखेंगे वही कहानी होगी, इसकी तो मौत। और गाली नहीं दे रही यार, आ जाओ। पता नहीं कैसी मुसीबतें आ गई। अरे पैसों को छोड़ो, जान जान है तो जहान है, वरना सब शमशान है। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। नमस्ते। शनि की दृष्टि वक्र है, और साथ में राहु केतु की युति चल रही है, यानी कि समय बड़ा भारी चल रहा है, इसकी जान को खतरा है। आपकी जान को? नॉनसेंस यार।
अर्जुन का है। देखा बाबा, अगर ये नारियल 2 इंच इधर पड़ता तो तुम्हारे इस नारियल का क्या होता? नहीं नहीं। इसलिए कहता हूँ ये आज का 3रा घात था और 4थे घात से तो भोलेनाथ ही बचा। रुक जा बच्चा, रुक जा, गुरुदेव से मुख मोड़ के मत जा, गुरुदेव अंतर्यामी हैं। अरे अरे, हमें यमदूत का वाहन आता हुआ नजर आ रहा है, वो देखो। महाराज क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी, उसकी घात को टालने के लिए महाव्रत रखना होगा, 21 दिन का महाव्रत। रखोगी? हाँ जी जी जी, रखूंगी महाराज, रखूंगी। बच्ची, व्रत का मतलब जानती हो? सिर्फ खाने पीने का संयम नहीं, हर बात पे संयम रखना होगा। फ्रिज से लेकर पति देव तक कीप सेफ डिस्टेंस का लेबल लगाना होगा। मुझे मंजूर है महाराज, अब जो कहेंगे मैं करूंगी। निशा, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट टॉक, आई डोंट। मुझे छुओ मत, दूर हटो, दूर हटो। महाराज, महाराज, सॉरी, नो टच। निशा, इन बातों में विश्वास मत रखो। कहा ना मैंने, निशा छुओ मत मुझे। जय गुरुदेव, दूर हटो। 4 दिन दा प्यार हो रबा बड़ी लंबी। ओए तो मैंने रोटी दे रही है कि रोटी डाल रही है? मैं कहना कीप सम रिस्पेक्ट। गुड। दूध क्यों नहीं पिया? मुझे नहीं पीना। तो फिर क्या अपने बाप की तरह मेरा खून पीना है? जब देखो तब से, जब देखो तब से। ओए अब बच्चे को क्यों मार रही है? तो क्या इसकी सारी जिदें पूरी कर इसे भी आवारा बनने दूं, ताकि बड़ा होकर ये भी अपने बाप की तरह गुल खिलाए? ओए बिहेव योरसेल्फ, बता तो चुका हूं किन हालात में शादी हुई है। ढोलक बन गया हूँ इमोशन में, कभी इधर से बज रहा हूँ कभी उधर से बज रहा हूँ। अरे ढोल की पोल खुली तो मुंह खुला, मन में पाप नहीं होता ना तो जिस टाइम शादी की थी उसी टाइम आके गांव में बता देते, शादी माफ भी कर देती, पर नहीं, 7 साल तक धूल के फूल खिलने दिए। रात रात भर स्टोरी सिटिंग चलती थी, अब पता चला किसके साथ और कहां सिटिंग होती थी। कहते थे निशा से मत मिलना, मिलने से हमारे बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स? अरे ये नहीं कहा कि भांडा फूट जाएगा, खुद से फोन में लंबी चौड़ी बातें क्या करते थे। हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है? डबल रोल की कैसे दिखाते थे, मैं चली समझ ना सकी कि चोर की दाढ़ी में। ओए बंद कर अपना रिकॉर्ड, हैं खाना खाने देगी कि नहीं? जितनी बार निवाला मुंह को लगाता हूँ कुछ सुना डालती है। हाँ खाने नहीं देना था तो खाना दिया क्यों? वो देगा किसका फोन है, उठा। हेलो, हेलो स्वीटी, की हाल है पुत्र? बहू जी। हेलो स्वीटी, की हाल है पुत्र? हेलो कौन बोल रहा है, मेरी वोटी को ला दिया। कौन बोल रहा है? दामाद जी, मैं बोल रहा हूँ। ओ भाऊजी, भाऊजी पैरी पहना। ओ पैरी पहना ठीक है, लेकिन ये स्वीटी रो क्यों रही है? ओ कुछ नहीं, इमोशनल हो गई वो। वो बोलती अजीब कार्टून टाइप की फैमिली है मेरी, महीनों महीना मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते। मुझे दीजिए ना, मैं बात करती हूँ ना। पुत्र स्वीटी को दो। नहीं वो रोके चलेगी उसको। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, और जोर से बोलिए। थोड़ा और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ कट गया लगता है, आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही, चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज की पता है। पता है, लेकिन जब उनको पता चलेगा तुम्हारे लफड़ों का तो तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। अरे कब्र तो मैं खोदूंगा उस बदमाश की, जिसने मेरी मस्के जैसी जिंदगी को भूल भुलैया बना रखा है। मगर यारो आखिर मेरा यह शक्ल, उससे चाहता क्या? अरे दौलत चाहता है यार, और क्या दौलत? ये क्लियर करेंगे। अरे चलिया सुन, अगर इसको दौलत में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो शेखर बन के निशा के पास क्यों जाता, शेर सिंह बन के स्वीटी के पास भी तो जा सकता था। अब चक्कर समझ में आया। शुक्र है इसको समझ में तो आया, लगता है बैंक में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वाह वाह, शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए, ये मोदी को अपने पैसे मिल गए, राव को अपने पैसे मिल गए और तुम्हें भी अपने पैसे मिल गए, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए। पांगे, शेर सिंह को जितना तुम भोला और मासूम समझते हो उतना वो है नहीं, वो कमीना राइटर भी है और फाइटर भी, और उसने मुझे टोटे टोटे कर देने की धमकी भी दी है। ये टोटे टोटे क्या होता है? यही टुकड़े टुकड़े। वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ बेईमानी की मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पांगे पांगे के साथ पंगा मत लेना।